नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। T20 सीरीज के बाद 25 नवंबर से भारत न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। सीरीज शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रॉस टेलर ने जुबानी जंग शुरू कर दी है। उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि इस बार हम एक अंडरडॉग टीम की तरह नहीं बल्कि चैंपियन टीम की तरह भारत में खेलने आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को लॉर्ड्स में हराया था और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। एक स्पोर्ट्स वेबसाइट में छपी खबर के अनुसार टेलर ने कहा कि हमें यह भी मानना है कि जीतने के हिसाब से भारत एक कठिन जगह है, लेकिन हमने शुरुआत श्रीलंका से की थी, वहाँ पर हम ड्रॉ कराने में कामयाब रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले 2 साल न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपको बता दें कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद टेलर ने एक भी क्रिकेट मैच नहीं खेला है। उनके ऊपर भी अच्छा प्रदर्शन करने और अपने आप को टीम में बरकरार रखने का दबाव होगा। आपको बता दें कि इस बार मौजूदा टेस्ट चैंपियनशिप के सर्किल में न्यूजीलैंड टीम को भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड का दौरा करना है, जबकि अपने घर में बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका से खेलना है। टेलर को भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव भी है, क्योंकि वो 2010, 2012 और 2016 में भारत का टूर कर चुके हैं। आपको बता दें कि टेलर ने अभी तक भारत के खिलाफ 15 मैचों में 34 की औसत से 870 रन बनाए हैं। भारत के खिलाफ उनके नाम 3 शतक भी हैं, जबकि भारत में इन्होंने केवल 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें इनका औसत 25 का रहा है। हालांकि भारत में उनके नाम 1 टेस्ट शतक भी है, जो 2012 में बेंगलोर में बना था, लेकिन ये मुकाबला भारत ने 5 विकेट से जीता था। यानी सीरीज शुरू होने से पहले जुबानी जंग तो शुरू हो गई है, खेल का एक्शन तो 25 नवंबर से कानपुर में ही देखने को मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।